इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। मुंबई उपनगरों में आरोग्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पनाओं के अनुसार 17 नवंबर 2022 को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुल 20 नए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण होने जा रहा है। भाई और बहनों, आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। तीव्र सफर में जुड़ रहा है एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास। देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। अब कनेक्टिविटी का एक संपूर्ण सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी यातायात के अलग अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।